इस पापी युग में गो माता का कोई नहीं रखवाला। और कभी क्या लिखता है, भगवान से भी एक शिकायत करता है, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा जो सबको जीवन देती है, जो सबको जीवन देती है, उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को, प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला। हे गोविंद, दोनों हाथों को उठा के एक बार इस पंक्ति को मेरे साथ गाए, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जैसा मुझे हो गया, जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। देखिए गाय से प्रेम, बाबूजी को हुआ, दुनिया गृहस्थी बसाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं,
लेकिन बाबूजी ग्रस्सी में चवरी में फेरा खाता छोड़ दिया। तेजो जी महाराज पहली बार अपनी परणी ने मिलने वास्ते गया, लाचा गोजरी रोती आई कि इतने पनीर की धरती पर कोई शूरवीर हो तो गाया मारी मीणा ले गया, गाने बचाओ। बाबूजी परणी तेजा जी परणी रो मोह छोड़कर लाचा गोजरी जे गाया बचाने वास्ते गया। अनेकों भोमिया जी महाराज के मंदिर हमारे आसपास में है जिन्होंने गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों को दिया। तो भगवान से प्रार्थना की गई, भगवान आपके बिना इस स्वर को कौन सुनेगा। प्रभु आप बिना, प्रभु आप बिना, प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सभी लोग संकल्प की मुद्रा में सभी लोग बोलेंगे गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का, गौ हत्यारों का। कई लोग प्रश्न करते हैं कि प्रकाश जैसे हाथों को उठाने से पब्लिक से बुलवाने से क्या होता है। तो मित्रों ये जो ये आह्वान है ना, ये आह्वान सामान्य नहीं होता। जैसे कोई कवि या कलाकार संत कभी गवाए आपको ऐसे हाथों को उठाकर बोलना, तो ये जो आह्वान है आपके मुंह से निकली हुई बात ये ब्रह्मांड में जाती है। और ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो भी पॉजिटिव ऊर्जा उसके साथ में इसका मिलन होता है। और उसका प्रतिक्रिया क्या होती है कि भगवान कुदरत ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति इस धरती पर भेज ही देता है, कोई ना कोई पुण्य आत्मा अवतरित हो ही जाती है जो इस संकट को मिटा सके। आदित्य नाथ जी ने जब सरकार बनी थी तो उससे पहले लोगों को भरोसा नहीं था कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। आपने टीवी में पढ़ा होगा, हाँ दो मिनट काका जी बैठो, मैं दो मिनट सब कुछ आपने कहला दूंगा, बैठाओ इनको, दो मिनट के बाद में बुलवा दीजिएगा, जो भी बोलना माइक में बोलेंगे, माइक में बुलवाएंगे काका जी आप। ठीक, तो चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो मैं 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में जितने भी गौ कत्ल खाने में बंद करवाऊंगा। लोगों ने कहा कि पहले वाले नेता घोषणा करते थे ये भी यही जाएगा, लेकिन मित्रों पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इधर तो सरकार की घोषणा हुई और उधर से आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने उसी समय ये घोषणा करी कि इस देश में आज के बाद में उत्तर प्रदेश में जितने भी गौ कत्ल खाने हैं वो बंद होंगे। और इसलिए ऐसी आवाजें कब आएगी, जब हम संकल्प की मुद्रा में होंगे। तो एक बार दोनों हाथों को उठा के गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का, गौ हत्यारों का, गौ हत्यारों का दमन करो, या दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला।
नट गट बंशी वाले गोकुल के राजा।